गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि देखो आज मैं नहा धो के ना रेडी हो गई हूँ। वैसे तो मैं डेली नहाती हूँ, लेकिन आज मैंने घर की सफाई करी है, बाथरूम की सफाई करी है। आज, क्योंकि 2 दिन के बाद मेरे घर में गेस्ट आएंगे, तो फिर घर साफ सुथरा होना चाहिए ना। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि घर का मैंने, ये तो मेरा जो है ना कैमरा ही बंद हो जाता है। चलिए तो देखिए, घर में अभी मेरे धुआं धुआं आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है? देखो, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार, मेरा हर एक से दगा करता है। ज्यादा गाना गाऊंगी तो कॉपीराइट आ जाएगा। कल एक्चुअली क्या है ना, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। कल थोड़ा सा मैं अलग मूड में थी, तो जब मैं अलग मूड में होती हूँ, मेरा हर दिन का एक अलग मूड होता है। कभी हैप्पी वाला, कभी सैड वाला, कभी ज़्यादा गुस्से वाला, मेरा हर दिन का एक अलग अलग मूड होता है। अभी मैंने बनाई अपने लिए कप चाय। घर की साफ सफाई हो गई है, चद्दर इस पे आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि चद्दर वगैरह सब मैंने धोने के लिए डाला है। और इस पे मैं आज दूसरा बेडशीट बिछाऊंगी, और 2 दिन के बाद नया बेडशीट डाल दूंगी, क्योंकि अभी नहीं डाल रही हूँ। अगर 2 दिन पहले डाल दूंगी ना, तो बेडशीट जो है ना गंदा हो जाएगा। नहाने के बाद मुझे चाय चाहिए। मैंने पूजा भी कर लिया है, धूप जला दिया है, अगरबत्ती जला दिया है, दिया जला दिया है। टाइमिंग अब जाके जो है मैं बैठी हूँ, थोड़ा सा मेकअप करने लग रही हूँ। टाइमिंग देखो 11:30 बज रहे हैं अब जाके। अगर घड़ी 9 पे गई ना, बड़ी वाली सुई, तब 11:30 बजेगा। 11:30 बजे तक मेरे घर के सारे काम हो गए। आज मैं इसलिए खुश हूँ ना कि आज बाहर थोड़ी सी धूप निकली है, तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा बहुत दिन से ना अंधेरा 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 अंधेरा, धुंध, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था। मन को ना खुशी नहीं मिल रही थी, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा था। सैड सी दिमाग में फीलिंग आ रही थी। और सही में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ता है ना, इसीलिए उन लोगों के चेहरे बेचारों के ना मुरझाए होते हैं 6 महीनों के लिए। वो बिल्कुल हैप्पी होने की भी लोग कोशिश करेंगे ना, अगर मौसम ऐसा रहेगा तो हैप्पी कौन रह पाएगा गाइस? कोई नहीं रह पाता है। मन कहीं ना कहीं से चिड़चिड़ा हो ही जाता है। मेरा तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा दिमाग हो गया था मौसम को देख देख के। कहीं पे भी मैं बाहर गई ही नहीं हूँ, बस छोटे मोटे काम के लिए अगर गई हूँ तो गई हूँ, अदरवाइज मैं कहीं बाहर गई नहीं हूँ। तो चलो फटाफट मेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में। बाय बाय। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I... इधर आ, खेलो यहाँ पे, इधर। अच्छा धूप है, इधर खेलो, यहाँ खेलो, यहाँ पे खेलो। हाँ कहाँ गर्मी लग रही है, सही तो है, खेलो इधर। कहाँ एलर्जी हो रही है यार, कहाँ एलर्जी हो रही है, खेलो इधर। हाँ भाई, क्या नाम है इधर? अरे नाम तो बता दे। गुड आफ्टरनून राधे राधे। तो कैसे हो? अभी हम लंच वगैरह करके ना बच्चों को लेके छत पर आई हूँ, थोड़ा सा बच्चे ना खेल लेंगे। धूप अच्छी हो रही है, तो सोचा कि चलो बच्चों को लेके आते हैं छत पे, थोड़ा सा अच्छे से खेल लेंगे। चलो थोड़ा सा मैं अपना काम भी करूँगी, फिर मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में। बाय बाय। शहर में रह रहे हैं, ये देखो पूरा खेती गाँव, कितना अच्छा नज़ारा है ना। हमारे टेरेस से ना बहुत अच्छे नज़ारे थे। ये वो घर है जो मतलब कुछ लोग विलेज जैसे रहते हैं। देखो एक और दिखाऊं, वहाँ पे जहाँ पे छठ पूजा हुई थी वो देखो, ये देखो। लेकिन बहुत ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, हरियाली बहुत ज़्यादा है, लोग साफ सफाई से बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, देख लो। और फिर आगे देखोगे तो पूरा द्वारका, इधर द्वारका है पूरा, इस तरफ गुरुगांव है, गुरुगांव बच्चे खेल रहे हैं।
चलो आज सैटरडे है, सब्जी भी लानी है, कल बेटे की छुट्टी है, देखते हैं। देखो इधर का भी नज़ारा देखो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलो दो चार रील बना देते हैं, दो चार रील भी बनानी है मुझे। पता नहीं क्यों सब वाइट, मतलब मोस्टली घर बाहर का मेरे को सब वाइट ही दिख रहा है। वो मेरे बेटे का स्कूल है, लेकिन मोस्टली घर यहाँ पे ना वाइट 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 पूरा आपको वाइट ही दिखेगा। भाई रिया दिल्ली में बहुत सारे रिहायशी पोस हैं, एरिया है, रिहायशी एरिया है। साउथ दिल्ली हो गया, साउथ एक्स हो गया, और बहुत सारे हैं, हौसकास हो गया, ज्वाला एड़ी हो गया, पश्चिम बिहार हो गया, ये सारे जो है ना रिहायशी इलाकों में आते हैं सारे। अगर देख लोगे ना दिल्ली के नज़ारे तो फिर आपको होगे कि दिल्ली में ऐसी ऐसी जगह है ना कि क्या मैं बोलूं। दिल्ली बहुत छोटा प्लेस नहीं है, दिल्ली बहुत बड़ा है, राजधानी है दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली में रहने वालों का दिल भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। बाकी कोई एक दो दिन रह के दिल्ली का आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो, दिल्ली में चाहिए कम से कम महीना साल भर। यहाँ रहने वालों का दिल चाहे कितना भी कहीं पे भी कोई इंसान रहा हो ना, यहाँ पे बहुत आसानी से यहाँ पे सबका दिल लग जाता है। अगर आप अनजान हो ना, एक बार मुंबई चले जाओगे ना तो आपका जीना हराम हो जाएगा, आप मुंबई में नहीं रह सकते हो। मुंबई प्लेस ऐसा है ना कि मतलब अगर आपका कोई रिश्तेदार रहता है ना तो वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा दो दिन चार दिन से ज़्यादा आपको अपने घर में ना जगह नहीं दे सकता है, कितनी गहरी भी रिश्तेदारी होगी ना। क्योंकि मुंबई में ऐसे होते हैं, अगर रिच हो, करोड़पति हो, खरबपति हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मल हो ना तो वहाँ पे आपको फ्रेश होने के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे वॉशरूम जो है घर में नहीं होते हैं किसी के, अब लोग बनवाने लग गए वो अलग बात है। क्योंकि मेरी मौसी मुंबई में रहती है और मेरे बहुत सारे रिश्तेदार मुंबई में रहते हैं, मेरे हज़ारों रिश्तेदार तो दिल्ली में रहते हैं, मतलब हज़ारों और 500-600 रिश्तेदार तो मेरे मुंबई में, उससे ज़्यादा रिश्तेदार मुंबई में रहते हैं। मैं कई बार मुंबई भी जा चुकी हूँ, मतलब मेरा मन ऐसा करता था ना कि जैसे किसी ने मेरे को पिंजरे में डाल दिया है। घूमने के लिए भी ना वहाँ पे 100 बार सोचना पड़ता था कि मतलब कौन सा कन्विंस करे, लोकल ट्रेन, ओ माय गॉड। कम से कम यहाँ पे मेट्रो की सुविधा तो है, कम आपको ओला टैक्सी इजली 200-400 में कहीं पे भी पहुँचा सकती है, लेकिन वहाँ पे भी आप सोच नहीं सकते हो, आप वहाँ पे से बड़ा पाव खा के अपनी ज़िंदगी काट सकते हो। अगर आप नॉर्मली फूड खा रहे हो तो नहीं खा पाओगे, क्योंकि हम जब मुंबई गए थे ना तो हमारा बहुत बुरा हाल हुआ था। मेरी ज़िंदगी का सबसे गंदा एक्सपीरियंस अगर आप सोचोगे ना तो मुंबई है। अगर मैं दिल से बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली में हूँ तो इसलिए मैं मुंबई की बुराई कर रही हूँ, मैं मुंबई की बुराई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को मुंबई एक कौड़ी का भी पसंद नहीं आया। हालाँकि वहाँ पर बड़े बड़े जहाँ सेलिब्रिटी रहते हैं वो आप पोस इलाके में जाओगे तब आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें जैसे हजरत हाजी अली है और समुद्र है, जुहू चपाटी है, मतलब सिर्फ आप से घूम सकते हो कहीं ना कहीं, बस आप घूमने जा सकते हो। यदि आप ये सोचो कि वहाँ पे आप सर्वाइव कर लोगे, बहुत मुश्किल है। दिल्ली खाना बहुत महंगा है, रहना वहाँ पे जो है सस्ता है, रहना वहाँ पे दिल्ली में आप के पास अगर 10 रुपये है ना, 20 रुपये है, आप 20 रुपये में आराम से छोले कुलचे खा के अपना पेट भर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मुंबई में खाने के लिए पैसे नहीं है ना तो आप खाने के लिए जो है ना आपके लाले पड़ जाएंगे। मैं सही बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। अगर आप मुंबई में जाके देखोगे ना तो आपको वहाँ पे खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो मैं जो भी चीज़ें बोलती हूँ अपने एक्सपीरियंस से ही बोलती हूँ, मेरा मुंबई का एक दो बार का नहीं, कम से कम कई बार का एक्सपीरियंस है कि मैं मुंबई गई हूँ और वहाँ पे मतलब रोना आ रहा था मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। इनफैक्ट वो तो मुंबई में जब पहली बार जब गए थे ना वो तो गुम भी हो गए थे, मेरी तो मतलब वहाँ पे सांसें अटक गई थी। मेरे ससुराल वालों को आज तक ये नहीं पता जब मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम गए थे एक्चुअली क्या हुआ था। मैं दूसरी गाड़ी बारात थी, मेरे भाई की शादी थी, मेरी सगी मौसी रहती है मेरी मम्मी की बहन, सगी ऐसा नहीं चाचा ताऊ
फलाने ढमकाने, ऐसा नहीं, मेरी सगी मौसी रहती है। लेकिन तो बारात में कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड जो है ना जा रहे थे, लेकिन गलती से वो दूसरी गाड़ी में बैठ गए या फिर गाड़ी निकल गई, तो वो कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था जिसकी वजह से वो कहीं खो गए थे और बहुत मुश्किल से मिले थे। मेरा तो मतलब रो रो के बुरा हाल हो गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड दिल्ली से बाहर कभी कभी कहीं नहीं जाते थे, उनकी फैमिली कहीं उनको कहीं जाने नहीं देती थी। मैं तो शादी से पहले ही हजारों सिटी घूम चुकी हूँ, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, ऐसी कोई सिटी नहीं थी जिसे मैंने छोड़ा हो अपनी ज़िंदगी में। लेकिन उनका एक्सपीरियंस जो है ना बहुत घूमने के मामले में, मैं ही उनको शिमला लेके गई हूँ, मैं ही उनको मनाली लेके गई हूँ, मैं ही उनको मुंबई लेके गई हूँ, बनारस, आजमगढ़, मतलब जितनी भी सिटी में वो गए हैं ना, वो मेरे बदौलत ही गए, मेरे साथ ही गए, अदरवाइज़ वो अकेले कहीं नहीं गए हैं। खैर चलिए, अब शाम हो रही है, बच्चों को लेके थोड़ी देर, अभी देखो मेरे को आज इसी बात की खुशी है कि हाँ धूप बहुत अच्छी निकली है, मतलब जैसे जैसे गर्मियों में धूप निकलती है ना, बिल्कुल वैसी वाली धूप निकली है, दिल खुश कर देने वाला धूप निकला है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसी वजह से आज मौसम थोड़ा सा ना, हवा भी पता नहीं चल रहा है, तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सा अच्छा अच्छा फील हो रहा है। तो ये सारे बच्चे खेल रहे हैं। गॉड, अरे छरिया, सरिया में मुंह लग जाएगी। सुसुआई है, सुसुआई तो वहाँ पे कर लो, छोटे छोटे बच्चे, देखिए वो सरिया में मुंह डाल रहा था ये बेटा, लग जाएगी आपको बेटा। मम्मी कहाँ है इनकी? मम्मी तो बेटा आपको लग जाएगी यार, डर लग रहा है यार मुझे छोटे छोटे बच्चों को देख के यार। वो सरिया वरिया है, सरिये पे वो कर रहा बेटा। आप इसकी क्या लगते हो? बहन हो ना, तो आप उसको ध्यान दो ना, देखो सरिये में घुस रही है वो। हाँ तेरे में इंटरेस्टेड है। मेरा बेटा भी ना अजीब बातें करते, कह रहा मेरे में इंटरेस्टेड है। तो आप देखो गाइस, धूप बहुत अच्छी निकली है। सो चलो, आज थोड़ा शाम को आई हूँ मैं, दोपहर में तो बहुत ज्यादा धूप थी, दोपहर में नहीं आई हूँ। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. You fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. I'm gonna go.
फ्रेंडवा, हेलो फ्रेंडवा, गुड इवनिंग। हेलो फ्रेंडवा, अरे वो शिवानी नहीं है, वही तो बोलती है हेलो फ्रेंडवा। मेरे को भी स्टार्टिंग में यही लग रहा था कि गाली है। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो देखो अभी जय श्री राम और सारे काम निपटा कर आई हूँ। तो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में मूवी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मूवी आने वाली है, कॉमेडी प्लस हॉरर। और वो मूवी मेरी बहुत फेवरेट है, DD2 ना मूवी का नाम है, DD2। तो वो वाली मूवी देखने वाले हैं। और आज तो फिर आज मुझे सच पूछो तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मौसम जब से खिल रहा है ना उतनी खुशी मेरे चेहरे पे भी आती जा रही। क्योंकि मौसम अगर ख़राब होता है ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं कहीं जाऊँ या मेरे पास कोई आए, क्योंकि मेरे को बिल्कुल ठंड में ना काम अपने घर का अगर हो जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे। दूसरों के लिए तो क्या ही कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। खैर, धूप अब अच्छी हो रही है, ठंड की वजह से जो है मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी ज़्यादा। मेरा बेटे के बर्थडे को लेके यही था कि यार मौसम हर साल इसके बर्थडे पे मौसम बहुत 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 ज़्यादा खराब हो जाता है। इसके बर्थडे पे मौसम नहीं खराब होता, उसका बर्थडे ही ऐसे टाइम पे आता है जब ये पैदा हुआ था ना, इतनी ठंड पड़ रही थी कि जो जिस पे मैं लेटी रहती थी ना, मेरे ऐसी लगती थी ना, मेरे को मन करता था ना कि बस घर भाग जाऊं। एक दिन भी मेरे को हॉस्पिटल में गुजारना मेरे लिए उस समय ना भारी हो गया था। खैर, वो पता है कड़ाके की ठंड में इसका बर्थडे आता है, कड़ाके की ठंड में पैदा हुआ था। ये सोचो ना, मैं रात भर सुबह के 4 बजे तक मैं ठंड में ऐसी पड़ी थी, बहुत बुरी हालत थी। ये ठंड में पैदा हुआ भैया, यह थोड़ा एक महीना पहले पैदा हो जाता ना तो मेरे दिल को मेरे आत्मा को ठीक था, लेकिन अब दिसंबर में भी ठंड रहती है, स्टार्टिंग की ठंड। हाँ, स्टार्टिंग में दिसंबर में होता तो भी ठीक था, लेकिन चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और बस यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मौसम जैसा है वैसा ही रहे, एकदम एग्जैक्ट, मतलब दिन पे दिन मौसम अच्छा हो। इस बार सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत 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 ज़्यादा ठंड पड़ रही है हर जगह, मतलब यही सुनने को मिल रहा है कि इस बार जो है ना रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ी है और पड़ भी रही है। ऐसा सुबह शाम तो बहुत बुरा हाल है, ये तो सूरज देवता थोड़ी सी कृपा कर दी है कि बाहर आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है, तो थोड़ा छत पे थोड़ा बाहर जाने का मन कर रहा है। अभी थोड़ा सा बाहर से सामान लेकर आई हूँ मैं, और आज सनी बाजार है हमारे यहाँ का, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं गई हूँ। हमारी गली से बाहर ही सनी बाजार लगता है, जो कि यहाँ का फेमस मार्केट भी कह सकते हैं, छोटा सनी बाजार लगता है, सब्जी की पूरी मार्केट लगती है, कपड़े चप्पल जूते ये सब भी बिकते हैं, और थोड़े बहुत कॉस्मेटिक, जिसका मतलब जैसे खाने पीने की छोले भटूरे, जो कि दिल्ली का फेमस है, छोले कुलचे, छोले भटूरे, जलेबी, रात को गर्मा गर्म यहाँ पे जलेबियाँ मिलती है जो कि बहुत बहुत मजा आता है। मैं पहले अपने यहाँ पे मॉर्निंग में जलेबियाँ खाया करती थी डेली, और अब मैं यहाँ पे रात को जलेबियाँ खाती हूँ। बिना जलेबी खाए ना नींद ही नहीं आती, अच्छा ही नहीं लगता, है ना भाई? जलेबी की आदत पड़ चुकी है ना रात में खाने के अच्छा लगता है ना रात को। हाँ, रात में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जलेबी रात को खा के। और मेरे हस्बैंड को तो जलेबी दूध दे दो तो उनका तो ऐसा लगता है कि बस उनको कुछ और मत दो, दूध और जलेबी दे दो, मजा आ जाता है। तो चलिए अब इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंडवा, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना फ्रेंडवा लोग। मुझे पता है बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं अलकस कभी जिंदगी में करती नहीं हूँ, आलस जिसको बोलते हैं, अलकस मैं नहीं करती हूँ अपनी ज़िंदगी में। लेकिन पहली बार इस बार ना मेरी जो उम्मीद थी ना, वो बहुत ज़्यादा ठंड ने ना डाउन कर दिया मेरी एनर्जी को ना, ठंड ने बहुत 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 ज़्यादा लो कर दिया, तो इसकी वजह से ज़्यादा मैं इंटरेस्टिंग या फिर कुछ काम नहीं कर किया मैंने ठीक से, मेरे को पता है। तो खैर, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। अगर वीडियो लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, तो और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी, आई प्रॉमिस यू गाइज। अभी आप लोगों को मेरे बेटे का बर्थडे ब्लॉग देखना है और गिफ्ट वीडियो देखनी है, पता नहीं कौन कौन सी वीडियो मैं लेकर आऊंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और हाँ, आज सैटरडे है तो आज खाने की छुट्टी है, क्योंकि आज हम जो है कुछ वैसे चीज़ें खा के पेट भरेंगे। बाय।